सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियाज बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर आईआईटी जेईई केमिस्ट्री एडवांस्ड। और आज हम पार्ट 79 के साथ आए ऑफ अवर रियल जेईई एडवांस्ड क्वेश्चन सीरीज, द बेस्ट क्वेश्चन सीरीज दैट यू कैन गेट राइट नाउ फॉर योर जेईई एडवांस्ड प्रिपरेशन। और भी जितने प्लेलिस्ट हैं हमारे चैनल में, आप जाइए, आप उनको एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे बेटर कंटेंट जेईई एडवांस के लिए एक्सक्लूसिवली आपको मिल पाना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। और सिर्फ इसके क्वेश्चंस अच्छे नहीं हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, बहुत ही कायदे से हर चीज़ का वाई और हाउ बताते हुए आपको एक्सप्लेन किया जाता है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी आंसर लाया जाता है ना, ऐसा नहीं करते, बहुत ही कायदे से हर चीज़ को एक्सप्लेन करा जाएगा। चलिए आज भी एक शानदार सवाल के साथ आए फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। पिछला हमने क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का किया था, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था, बच्चों को मज़ा भी आया, मज़ा आए ना आए, लेकिन जो भी चीज़ मैं कह रहा हूँ आप उसको आंख बंद करके फॉलो करो, तरक्की करोगे, ठीक है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल एग्जामिनेशन के मोड में आके आप कोशिश करा करो सॉल्व करने का। मोर देन वन करेक्ट टाइप है, मैं हट जाता हूं, आप इसको सॉल्व करें और अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। देखो, केमिकल काइनेटिक्स का थोड़ा ट्रेंड रहा है, जो नॉर्मल न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत आसान होते हैं, हर बच्चा बना लेता है। इलेक्ट्रोकेम के भी जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं बड़े आसान हैं, थर्मो के भी न्यूमेरिकल्स बहुत आसान हैं, जो कॉन्सेप्चुअल वाला पोर्शन है वो थोड़ा दर्द देता है बच्चों को। तो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन लेके आए, ऑल दो दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट इसमें कुछ हिडन कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको वो चीज़ रिवाइज कराना चाहूँगा, आप अच्छे से सोल्यूशन को देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक रिएक्शन है, एक कंसेक्यूटिव रिएक्शन है, सीक्वेंशियल रिएक्शन, ए से बी, बी से सी। अब यहां पे ये कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज मच हायर देन दैट ऑफ सेकेंड, मतलब कुछ ऐसा इसका मैं काइनेटिक ग्राफ बना दूं, कुछ ऐसा, एक्टिवेशन एनर्जी पहले का बहुत ज्यादा है, ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल इसका बना रहे हैं अपन, ये एनर्जी हो गया आपका, ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये हमने ग्राफ बनाया। पहले का एक्टिवेशन एनर्जी बहुत बड़ा है, एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा होने का क्या मतलब है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी बड़ी है मतलब रेट कांस्टेंट छोटा है। मैं कह सकता हूं के इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो अगर एक्टिवेशन बड़ी है तो रेट कांस्टेंट छोटा है, मतलब मैं कह सकता हूं कि के वन जो है वो काफी छोटा है। मैं पहले तो आपको इसको बिना मैथमेटिक्स के समझाने की कोशिश करूंगा, लॉजिक से थोड़ा सा, थोड़ी मोड़ी मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला सजेस्ट कर दूंगा, उसके थ्रू भी आप एक अच्छा वैलिडेशन देख सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो ठीक है, ये K1 काफ़ी छोटा है, K2 को मैं मान सकता हूँ बड़ा है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जीज की कम है, तो K2 जो है वो बड़ा है K1 से। अच्छा, K2 बड़ा है K1 से और ये मच ग्रेटर लिख दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ बहुत बड़ा है कि उसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, ऐसा कुछ मैं मान लेता हूँ। अब क्या बोल रहा है कि क्या करेंगे, क्या कंडीशन लगाएं कि यील्ड ऑफ B जो है वो बढ़ जाए, B का यील्ड बढ़ाना है, B का यील्ड बढ़ाना है। अब आप बताओ मुझे एक बात, क्या आपको ये केस पता है जब K2 बहुत बहुत बड़ा होता है K1 से, ये मान लो इसको K2 K1 की तरह अपन सोच रहे हैं, जब K2 बहुत बहुत बड़ा होता है K1 से, तो आपको क्या पता है कि जो B है वो स्टेडी स्टेट एक्वायर कर लेता है, आपने सीक्वेंशियल रिएक्शन में अगर पढ़ा होगा तो, ये जो B है ये स्टेडी स्टेट एक्वायर कर लेता है। मैं पहले थोड़ी बहुत बातें बता रहा हूँ, ऑल्दो इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है स्टेडी स्टेट वगैरह पढ़ने की, ये क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल लॉजिक से भी सॉल्व हो सकता है, बट मेरा अभी काम ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट रिवाइज करा पाऊँ। तो यार बी जो है वो स्टेडी स्टेट एक्वायर कर लेता, तो सर बी तो बढ़ ही नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता गिवन टेम्परेचर पे, स्टेडी स्टेट एक्वायर कर लेता है, नहीं बढ़ता, ऑलमोस्ट लीनियर चलता है, लीनियर मतलब एक सा हॉरिजॉन्टल सा कर्व हो जाता है इंटरमीडिएट का, बी का हॉरिजॉन्टल सा कर्व हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर देखा जाए तो,
जब K2 बहुत बड़ा हो K1 से, स्टेडी स्टेट अक्वायर कर लेता है, बट अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो B का यील्ड तो इंक्रीज हो सकता है ना। हाँ, हायर टेम्परेचर पे भी वो स्टेडी स्टेट अक्वायर कर लेगा, सुनना ध्यान से, हायर टेम्परेचर पे भी वो स्टेडी स्टेट अक्वायर करेगा, बट विथ ग्रेटर ईल्ड या लेसर ईल्ड जो भी है टेम्परेचर के साथ, जैसे भी वेरी कर रहा है, वो तो हमको देखना है अभी क्वेश्चन। तो शायद आपको थोड़ी बहुत फीलिंग समझ आई होगी क्वेश्चन की। अब क्या आपको ये रिलेशन याद है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ बी होता है, यानी कि इंटरमीडिएट, जब हम कंजिकेटिव सिक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ते हैं, तो ये कुछ ऐसा होता है, K1 K2 इंटू ए नॉट। बहुत ज्यादा इसको जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में इसको याद करने की, मैं भी आपको देसी तरीके से भी बताऊंगा, अच्छे से समझ में आ रहा है उससे भी। ए नॉट ई रेस्ट टू द पावर ऑफ माइनस K1 t, ये अपना t टाइम है, और b जो है कंसंट्रेशन ऑफ b एट एनी टाइम। सीधे दिख रहा है कि K1 बड़ा होगा तो b ज्यादा होगा, यहां से भी समझ में आ रहा है। हाँ, K1 तो इसका बनने का रेट कांस्टेंट है, तो अगर K1 बड़ा होगा तो b ज्यादा बन रहा होगा। हाँ ठीक है सर, लॉजिकल लग रहा है। अच्छा, अब यहां सवाल आता है कि अब टेम्परेचर का डिपेंडेंस देखना है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो, अच्छा ये वाले एक्सपोनेंशियल टर्म का उतना ज्यादा डोमिनेंस नहीं रहता, उसको थोड़ा सा भी इग्नोर करो, आप सिर्फ इसको देखो, इसकी वजह से डिसाइड होंगी चीजें, इसको भी आप मत देखो, ठीक है, इसका उतना डोमिनेंस नहीं होता है, वो नंबर बड़े छोटे तरीके से बढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल नंबर। ये एकदम डायरेक्टली प्रपोर्शनल दिख रहा है बी के वन, इन्वर्सली प्रपोर्शनल दिख रहा है के टू। तो सर मतलब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फिर क्या होगा, K1 भी बढ़ेगा K2 भी बढ़ेगा? ऑब्वियसली दोनों बढ़ेगा, रेट कॉन्स्टेंट है, हमेशा टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, रेट कांस्टेंट है, हमेशा टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। अच्छा तो ज्यादा कौन बढ़ेगा सर? अब सुनो, यहां पे ज्यादा कौन बढ़ेगा, दोनों बढ़ रहे हैं, तो आप ऐसे सोचो, K1 छोटा था, K2 बढ़ा था, जब आप एक सेम तरह का टेम्परेचर दोगे, क्या आपको मैथमेटिकल थोड़ी फीलिंग आ रही है कि ये छोटा था ये बड़ा था, अब आप दोनों को ऐसा बराबर टेम्परेचर देने की कोशिश कर रहे हो, दोनों ही बढ़ेंगे, दोनों ही बढ़ेंगे, लेकिन ये जो K2 है वो थोड़ा कम बढ़ेगा, वो थोड़ा कम बढ़ेगा, K2 थोड़ा कम बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो काफी ऊपर की वैल्यू में था, वो थोड़ा कम बढ़ेगा। आप इस तरह से सोचो, किस तरह से सोचो बताओ, उसको उससे रिलेट कर लो थोड़ा सा, उसी तरह का कुछ ग्राफ बनेगा अगर मैं K का टेम्परेचर के साथ बनाऊं तो, बढ़ाऊं, जैसे वो फ्लुएंटलिच आइसोथर्म पढ़ा है ना आपने सरफेस केमिस्ट्री में, तो अगर बहुत सारा एडसॉर्प्शन पहले ही से हो चुका है तो और प्रेशर बढ़ाओगे तो उतना एडसॉर्प्शन नहीं होता, लेकिन अगर वो लो प्रेशर वाले रीजन में है, मतलब उतना एडसॉर्प्शन नहीं हुआ है, और आप अगर और प्रेशर बढ़ा रहे होते हो तो वहां पे ज्यादा इंक्रीमेंट आता है एज कंपेयर टू हायर प्रेशर में। कुछ वैसा ही कुछ सीन है, देखो कि K1 जो है, K1 छोटा है, K2 बड़ा है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा इंक्रीज किस में आएगा, ज्यादा इंक्रीज किस में आएगा, ऑब्वियसली जो छोटा है उसमें ज्यादा इंक्रीज आएगा। अगर आपको इसको मैथमेटिकली अच्छे से सोचना है तो वीडियो पिन कर दे रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हुआ है, उसमें यहाँ तक की बातें मैंने बताई है कि क्यों हाई टेम्परेचर पे TCP बनता है, लो टेम्परेचर पे KCP बनता है, इसका भी रीज़न समझाया है, इसका रीज़न भी आपको नॉर्मली नहीं मिलता है, ऑर्गेनिक के टीचर्स तो नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको आई गेस थोड़ी थोड़ी फील हो गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूंगा तो K1 भी बढ़ेगा, K2 भी बढ़ेगा, बट ज्यादा इंक्रीज किस में आएगा, K1 में। आप नंबर डाल डाल के देख लेना ना यार अरेनियस इक्वेशन में, और कोलिजन थ्योरी से थोड़ा सोच लेना तो और अच्छे से फीलिंग आएगी आपको। तो अगर मैं इंक्रीज करूंगा टेम्परेचर तो K1 ज्यादा बढ़ेगा, K1 ज्यादा बढ़ेगा तो B का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगा, ऑल्दो वो स्टेडी स्टेट अक्वायर कर लेगा, स्टेडी स्टेट अक्वायर कर लेगा बट थोड़े ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ। जी हाँ, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इज द फर्स्ट आंसर, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी सोच के आप आंसर कर लियोगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ज़रूर सुनो, बहुत सारी बातें कनेक्ट करता हूँ, बहुत सारी बातें कनेक्ट करूँगा मैं। चलो देखो, अब इधर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, क्या मन में चलता है बताऊँ? पहले तो लगता है हाँ इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हाँ रेट भी बढ़ेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ेगा। फिर बच्चों के मन में क्या आ जाता है, अरे कहीं जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं है या नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं है, ऑर्डर का तो पता नहीं सर,
क्योंकि ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंट से आता है ना, ऑर्डर का कैसे पता हमको? सर जीरो ऑर्डर तो नहीं है, जीरो ऑर्डर होगा तब तो ये नहीं हो सकता। अब बेटा गौर करो इस बात पे कि ए से बी जो दिख रहा है आपको, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, सीधी सी बात, दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होते हैं उसका स्टोइकियोमेट्री ही उसका ऑर्डर होता है। तो ए से बी जाना कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑर्डर ही है, कहीं दिया नहीं है क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर है, बट ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर हो ही नहीं सकता। ऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, दे कैन नेवर बी एलिमेंट्री, नोट दैट फैक्ट। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये भी। और ये देखो ये फॉर्मूले से भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए नॉट, अगर मैं ए नॉट बढ़ाऊंगा तो बी भी क्या होगा, बढ़ेगा। मैं इसको और बहुत अच्छे से कोलिजन थ्योरी से भी समझा सकता हूँ कि यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि के टू जो है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी बैरियर को अभी क्रॉस कर चुके हैं, तो आप सोचो अब और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हाँ कुछ मॉलिक्यूल्स और क्रॉस करेंगे, लेकिन जो अब जो मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहे होंगे उनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं होगी जिसमें इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें बहुत कम मॉलिक्यूल्स पास करा हुआ है एनर्जी बैरियर को। तो अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यहां जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी बैरियर को पास करेंगे वो काफी ज्यादा होगी K1 में। अगर आपको एनर्जी बैरियर वगैरह चीजें नहीं समझ में आ रही है, नया सा लग रहा है, कोलिजन थ्योरी का वीडियो देख लो उसके बाद पढ़ो, क्योंकि जो कंसेप्चुअली मैं चीजों को लेकर जाता हूं वो आपको थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी तभी आप मेरे साथ कंपैटिबल हो पाओगे थोड़ा, ठीक है? कुछ भी बकवास नहीं करता हूँ आके आंसर निकालने के लिए। तो बेटा ये भी आपको चीज़ समझ आ गई होगी कि ये जो ए से बी, बी से सी गए, तो ये तो फॉर्मूला से भी दिख रहा है, उसके बाद सीधे सीधे ऑर्डर से भी दिख रहा है क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो क्या इंक्रीज करूँगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए तो क्या उससे बी का यील्ड बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। सो यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आर बी एंड सी, ये करेक्ट आंसर है। आई होप आपने सही किया होगा, उतना मुश्किल नहीं था, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराने का मेरा मोटिव था वो मैंने करा दिया। तो ठीक है, आप वीडियो को और देखिए और प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियोस को शेयर करो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अपने बहुत बिजी स्केड्यूल से मैं आपको समय निकाल के दे रहा हूँ, बहुत बिजी चल रहा हूँ मैं, बहुत बिजी, लेकिन उसके बाद भी समय निकाल के दे रहा हूँ। आप थोड़ा शेयर करो वीडियोज़ को, मेरे को थोड़ा और नंबर्स अच्छे दिखेंगे तो मुझे और मज़ा आएगा। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग।